नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, SSC CHSL 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 10 मार्च से स्टार्ट है और अभी 31 मार्च तक ये चलेगा। ऐसे में ये काफ़ी सही तरीके से चल रहा था और इसके पहले मैंने इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की थी, जिसमें मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात किया था और मैंने बताया था कि DV जो है वो काफ़ी ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। लेकिन आज का जो DV था वो अगर हम बात करें आज 21 मार्च का, तो आज ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे वो EWS कैटेगरी के वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। मैं गया था सेंटर पे, तो आज मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे वो EWS कैटेगरी के थे। और जब इन लोगों का बैच स्टार्ट हुआ था और वहाँ पे इनके साथ जो DV हुआ, उसमें SSC ने एक गड़बड़ी की, जो कि स्टूडेंट को ऑलरेडी इसका आइडिया नहीं था और किसी को भी शायद पता नहीं था। मोस्टली को ये लग रहा था कि जरूर प्रोविजनल दे दिया जाएगा अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है। तो यह मैं बता दूं कि किसी भी SSC के कैंडिडेट EWS के कैंडिडेट को प्रोविजनल नहीं दिया गया है। आप ये समझ के रखो कि किसी के भी डॉक्यूमेंट अगर गड़बड़ी था तो उन्हें UR ट्रीट कर लिया गया, प्रोविजनल किसी को नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा बच्चों के साथ धोखा एक तरीके से हो रहा है यहाँ पे। किसी को भी प्रोविजनल यहाँ पर नहीं दिया गया है ना। जितने कैंडिडेट थे, अगर किसी के भी EWS कैटेगरी में जो कोई फॉल्ट आई थी, मैं बताऊंगा वो फॉल्ट क्या थी। और इस तरह की फॉल्ट आने पर उन्होंने सीधे इनको UR कैटेगरी के लिए अप्लाई करने के लिए बोला, UR कैटेगरी का फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला। ऐसे में वो कैंडिडेट जिनके नंबर कम थे और या फिर वैसे कैंडिडेट जो EWS से ही क्वालिफाई कर रहे थे, तो वैसे कैंडिडेट अब क्या करेंगे, उनका क्या सॉल्यूशन है। अगर आपको इस वीडियो को देखना है, अगर आपको पता होना चाहिए कि EWS और आपने अभी तक नहीं दिया है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको बताएंगे कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। और अगर आप अभी तक आपने नहीं दिया है तो फाइनली आप उसको करेक्ट करिए और तब जाइए, वरना आपके साथ भी प्रॉब्लम होगी, आपको भी UR के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके नंबर कम होने से आपके जो चांस है वो खत्म हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके भी सर्टिफिकेट में इस तरह की फॉल्ट है। मैं सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह के फॉल्ट्स वहाँ पे देखने को मिले थे स्टूडेंट में और क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या इसका सॉल्यूशन बताया है। ठीक है, तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करना। और दूसरी चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि SSC से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको मैं यहाँ पे रोज़ाना देता रहता हूँ। साथ में वीडियो को जरूर लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए पसंद की चीज़ें, जो आपके फायदे के लिए चीज़ें हो सकती हैं, मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चलिए पहले बता दूँ कि जो फॉर्मेट है वो, तो पहले स्टूडेंट में ये डाउट था कि सेंटर का बना होना चाहिए कि स्टेट का बना होना चाहिए। देखो, वहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि वहाँ सेंटर और स्टेट की ऐसी कोई डिमांड नहीं की जा रही है। मैंने बात किया कई सारे स्टूडेंट से, तो सेंटर का है या स्टेट का है ऐसी कोई डिमांड ही नहीं की जा रही है। ठीक है, तो आपका चाहे सेंटर का बना हो चाहे वो स्टेट का बना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कुछ कैंडिडेट का प्रॉब्लम ये रहता है कि जो क्रूशियल डेट है उसके पहले का बना होना चाहिए या नहीं है, तो क्या करें। तो देखिए भाई, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया है कि क्रूशियल डेट के पहले का ही बना होना चाहिए, अगर उसके बाद का है तो वो नहीं मानेंगे, आपको UR कैटेगरी से ट्रीट किया जाएगा और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ है तो आपको UR ट्रीट किया जाएगा, और अगर आप UR नहीं बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, आपको रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें क्लियर है। तीसरी जो बात थी जिसमें प्रॉब्लम थी, अगर आप क्रूशियल डेट से पहले का बनवाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे वहाँ पे देखने को मिला था जिनका वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों सेम था। जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका वैलिडिटी था 2019-20, ठीक है, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए, लेकिन उनका फाइनेंशियल ईयर भी 2019-20 लगा दिया गया था। तो इस तरीके से ये दोनों ही डेट क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 हो गया और 2019-20 इनका वैलिड ईयर भी हो गया। ऐसे में ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर UR ट्रीट किया गया और उनका कहना था कि आप UR में ही भर सकते हैं और ऐसे कैंडिडेट को प्रोविजनल भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ धोखा ही हो रहा है। स्टूडेंट काफ़ी प्रॉब्लम में थे वहाँ पर, उनको समझ भी नहीं आ रहा था क्या करें। तो ऐसे में कैंडिडेट ने बात किया और वहाँ के जो भी इन्विगलेटर्स थे उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि आपको इसे करेक्ट कराना होगा, आपको नया सर्टिफिकेट, कुछ स्टूडेंट लिए थे बता रहे थे कि नया सर्टिफिकेट भी वो
नहीं वैलिड मान रहे थे। आपका जो है वो इशू डेट तो ठीक है कि 2020 जनवरी के पहले का है तो वो चलेगा, बट ये जो डेट सेम हो गया है इस वजह से उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया। और यूआरट का फॉर्म अप्लीकेशन भराया कि अगर आप यूआर के लिए अप्लाई करो, और उन्होंने टाइम दिया कि कुछ दिनों का टाइम दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप इसको करेक्ट करा के लाते हो, जैसे ये 2019-20 है यहाँ भी, जबकि होना क्या चाहिए, यहाँ वैलिड ईयर 2019-20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2018-19 होना चाहिए। ये आप कन्फर्म समझ लो कि यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का होना चाहिए और वैलिड ईयर 2019-20 का होना चाहिए। इस फॉर्मेट में जिसका था उसे करेक्ट किया गया, उसे क्लियर रिस्पॉन्स दिया गया और उनको माना गया। जिसका भी इसमें वो सिर्फ यही चीज देख रहे थे, वो सर्टिफिकेट में बस दो ही चीज देख रहे थे, पहला कि इशू डेट कब का है और दूसरा वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर कब का है, क्या ये सेम है या एक साल के गैपिंग का है, बस इतनी सी चीजें वो देख रहे थे। वो ये भी नहीं देख रहे थे कि वो साइन किसका है, जैसे कई सारे लोग पूछ रहे थे एसओ का साइन होना चाहिए या एसडीओ का साइन होना चाहिए, तहसील का साइन होना चाहिए, कोई भी अधिकारी का साइन अगर है तो वो वैलिड माना जा रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बस आपकी जो फॉल्ट है 2000 वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया वहां पर कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2018-19 का होना चाहिए, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2018-19 का होना चाहिए और वैलिड ईयर 2019-20 का होना चाहिए, सिर्फ यही फॉर्मेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो आपको यूआर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि इतना सा आपका होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप यूआर ट्रीट किए जाएंगे। तो वहां पर जो कैंडिडेट थे जिनका इस तरीके से हो गया, जिन्हें प्रोविजनल भी नहीं मिला और यूआर में थे और इसके बावजूद उनका नंबर भी कम था, तो अब वो क्या करें, तो उनका एकमात्र सॉल्यूशन ये बताया गया कि आप अपने ब्लॉक में या फिर अपने तहसील में जाओ, जिस ऑफिसर का सिग्नेचर या साइन करके ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है उनके द्वारा अगर इसे करेक्ट किया जाता है तो उसे विद इन 10 डेज का टाइम दिया गया है, यानी कि जब तक डीवी हो रही है 31 मार्च तक, उसके पहले पहले तक इसे करेक्ट करा करके उसे जमा करना होगा। अगर इतने टाइम में वो जमा कर पाते हैं तो डेफिनेटली उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ट्रीट किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें यूआर ही माना जाएगा, और ऐसे में जो कैंडिडेट जिनका नंबर कम है उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। तो ये चीजें थी जो मैंने वहां पर जाकर देखा, कई सारे स्टूडेंट थे जिनकी ये प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप उसे करेक्ट करा लीजिए अपने डीवी डेट से पहले ही, ताकि आपके साथ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर कोई डाउट है आपका तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे हम। और प्लीज़ आपसे एक बार और रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो भी SSC से रिलेटेड अपडेट्स होती है वो हम लेकर के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्लीज़ आप दबा लिया करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।